कौन बनेगा करोड़पति के सवाल से भड़के लोग ट्विटर पर ट्रेड करने लगा बायकॉट केवीसी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं सोनी टीवी के सबसे फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति 11 के बारे में। अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति 11 इन दिनों जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। शो पर आने वाले कंटेस्टेंट से लेकर यहां पर पूछे जाने वाले सवाल कौन बनेगा करोड़पति 11 की बढ़ती टीआरपी का कारण है। वहीं केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो ये एक सवाल की वजह खबरों में आ गया। ट्विटर पर बायकॉट केवीसी सोनी टीवी पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। इस सवाल से लोग इतने भड़क गए हैं कि लोग कौन बनेगा करोड़पति को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते कि आखिर वह क्या सवाल था जिस पर लोग इतना भड़क गए हैं। सवालों में पूछा गया था कि इनमें से कौन से शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे, जिसके ऑप्शन थे महाराणा प्रताप, ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, नंबर 3 महाराजा रणजीत सिंह, डी शिवाजी। यह सवाल 7 नवंबर को राजकोट की रहने वाली शाहिदा चंदन से पूछा गया था। कई लोगों ने केवीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब औरंगजेब के आगे मुगल सम्राट लग जाता है तो शिवाजी के आगे छत्रपति महाराज क्यों नहीं लगाया गया। यहां तक कि लोग अमिताभ बच्चन पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अमिताभ वोकेशन पढ़ते समय भी सही से बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी शिवाजी ही पढ़ा था। सोशल मीडिया पर इस सवाल की तस्वीर के साथ कई यूजर्स केवीसी को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं।